हेलो गाइस, आई एम विशाली गिगान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग थर्मल प्रोसेस, और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे हाई टेम्परेचर डेपोजिशन प्रोसेस। सो हाई टेम्परेचर पर डेपोजिशन कैसे होता है, हमें क्या क्या चीजें डेपोजिट करानी होती है, इट विल बी डिस्कस लेटर ऑन एज वेल। हम फिजिकल वेपर डेपोजिशन, केमिकल वेपर डेपोजिशन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी इस वीडियो में हम ओवरऑल देखते हैं कितनी प्रोसेसेस हैं जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में है एंड दे आर कॉल्ड एज अ हाई टेम्परेचर डेपोजिशन प्रोसेस। सबके बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज सीवीडी? सीवीडी स्टैंड फॉर केमिकल वेपर डेपोजिशन। तो यहाँ पर क्या होता है, सीवीडी में हमारे जो गैसेस हैं या फिर वेपर्स हैं, दे रिएक्ट केमिकली ऑन द सबस्ट्रेट सरफेस। जब दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, दे माइट बी फॉर्मिंग बाय प्रोडक्ट्स विच आर गैसेस, और दे माइट बी फॉर्मिंग बाय प्रोडक्ट्स विच आर गैसेस और सॉलिड्स एज वेल। सो अगर हमारे पास सॉलिड बाय प्रोडक्ट आ रहा है, तो सॉलिड बाय प्रोडक्ट क्या होगा, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, एंड दिस बाय प्रोडक्ट डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस विल गिव मी केमिकल वेपर डेपोजिशन। सो गैसेस और वेपर केमिकली रिएक्ट ऑन द सबस्ट्रेट सरफेस एंड फॉर्म सॉलिड बाय प्रोडक्ट। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बाय प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो गैसेस रिएक्ट करी एंड दो गैसेस नहीं फॉर्म हो गई, कोई सॉलिड बना ही नहीं, तो डिपोजिशन करेंगे किस चीज का, गैसेस तो उड़ जाएंगी। सो नाउ द सॉलिड बाय प्रोडक्ट इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस एज अ थिन फिल्म, एक थिन फिल्म की तरह डिपॉजिट होता है। जो दूसरे बाय प्रोडक्ट हैं, दीज आर गैसेस, और ये सरफेस को लीव कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड इन आईसी प्रोसेसिंग। किस लिए? मेटल फॉर्मेशन के लिए, मेटल के डिपोजिशन के लिए, विच इज कॉल्ड एज मेटलाइजेशन। मेटलाइजेशन में सीवीडी की प्रोसेस यूज होती है। डाई इलेक्ट्रिक डेपोजिशन के लिए, सिलिकॉन थिन फिल्म डेपोजिशन के लिए हम ये केमिकल वेपर डेपोजिशन प्रोसेस यूज करते हैं। नाउ वी हैव थ्री types of processes which are called as CVD, epitaxy, now after that we have polysilicon formation and silicon nitride formation. epitaxy process में, polysilicon formation में, silicon nitride formation में हमें chemical vapor deposition की requirement होती है. so first we are going to discuss the epitaxy. epitaxy की help से हमारे पास monocrystalline layer form हो जाती है silicon surface के ऊपर. we have the epitaxy silicon formation, epitaxy silicon or germanium formation, or epitaxy gallium arsenide formation. so silicon germanium gallium arsenide, ये सब का formation हम silicon substrate के ऊपर कर सकते हैं with the help of epitaxy process. coming to the silicon formation with the epitaxy process, epitaxy के बारे में हमने detail में already discuss कर रखा है, इसके apparatus detail में सारी equations वगैरह हमने discuss करी है, अभी भी overview ले लेंगे, but आप last videos में जाकर detail में देख सकते हैं कि epitaxy होता क्या है, epitaxy requirement ही क्यों है। हमारे पास जो substrate है, जो wafer है, उसमें जो सिलिकन है, इट इज नॉट अ हाई क्वालिटी सिलिकन, इसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन इम्प्योरिटी, कार्बन इम्प्योरिटी रहता है। सो व्हाट वी नीड व्हेन वी वांट टू मेक अ डिवाइस ऑन दिस चिप, हमें एक हाई प्योरिटी सिलिकन सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम एपिटेक्शियल लेयर की तरह डिपॉजिट करवाते हैं, और इस सिलिकन, हाई प्योरिटी सिलिकन के अंदर हम डिवाइसेस बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी सिलिकन सबस्ट्रेट विदाउट ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बायपोलर डिवाइसेस। बायपोलर डिवाइसेस के लिए हमें एपिटेक्सी सिलिकन की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज नीडेड फॉर हाई परफॉर्मेंस सीमोस डिवाइसेस। हाई परफॉर्मेंस सीमोस डिवाइसेस के लिए हमें एपिटेक्सी सिलिकन की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो एपिटेक्सी सिलिकन इज अ हाई टेम्परेचर प्रोसेस। 1000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हम एपिटेक्सी ऑफ सिलिकन कर सकते हैं। नाउ वी आर यूजिंग सिलेन, डाइक्लोरोसिलेन, ट्राइक्लोरोसिलेन एज अ सिलिकन सोर्स गैसेस। सिलिकन कहाँ से जनरेट होएगा? जो गैसेस हम लेंगे सिलिकन को जनरेट करवाने के लिए, सिलेन SiH4, SiH2Cl2 डाइक्लोरोसिलेन और SiHCl3 ट्राइक्लोरोसिलेन। पर्ज और प्रोसेस गैस में हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे। और नाउ फॉर डोपेंट्स, डोपेंट्स के लिए हम आरसीन, ASH3, फॉस्फीन, PH3 एंड डायबोरिन B2H6 को हम डोपेंट गैसेस की तरह यूज करेंगे। इसकी इक्वेशंस देख लेते हैं। सिलेन प्रोसेस में SiH4 होता है, उसे हाई टेम्परेचर दिया जाए, हीट दी जाए, तो ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है सिलिकन में, विच इज अ सॉलिड, सिलिकन सॉलिड रहेगा और डिपॉजिट हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा।
इट विल बी रिमूव्ड इजिली. डाइक्लोरोसिलेन लिया तो ऐसा एच टू सी एल टू को हाई टेम्परेचर दिया, 1150 डिग्री सेल्सियस दिया, इट विल फॉर्म सिलीकन और हाइड्रोक्लोराइड. सो एपिटेक्शियल सिलीकन फॉर्म हो जाएगा, SI फॉर्म हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोक्लोराइड 2HCl फॉर्म हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द एन टाइप डोपेंट. एन टाइप डोपेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, ASH3 और PH3. ASH3 हाई टेम्परेचर पर 1000 डिग्री सेल्सियस पर आर्सेनिक एटम्स दे देगा, विच इज सॉलिड, एंड इट विल गिव हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो जाएगी. फॉस्फीन, दिस इज फॉस्फीन, करेक्टेड, इट इज अ फॉस्फीन. फॉस्फीन हाई टेम्परेचर पर फॉस्फोरस दे देगा और गैशियस हाइड्रोजन रिलीज कर देगा. नाउ पी टाइप डोपेंट के लिए हम डायबोरेन यूज करते हैं, विच इज गिविंग बोरोन एटम एट अ हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस. ये बोरोन सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट हो जाएगा. Now the silicon epitaxy will give me silicon and it is deposited by wafer manufacture instead of IC fabrication. Right? In the fabrication epitaxial process, हमारे पास जो epitaxial process होती है उसमें dopant concentration को बहुत ही हमें precisely control करना पड़ता है. Epitaxial thickness को बहुत ही precisely control करना पड़ता है. थिकनेस यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, मीन्स यहाँ पर जो थिकनेस है एट द एंड ऑल्सो एक्सट्रीम एंड पर सेम थिकनेस रहनी चाहिए, थिकनेस वेरिएशन नहीं होनी चाहिए. सो वी हैव सिलेक्टिव एपिटेक्सी ऑल्सो फॉर रेस्ड सोर्स और ड्रेन. अगर रेस्ड सोर्स और ड्रेन है देन वी डू द सिलेक्टिव एपिटेक्सी. राइट, सो सिर्फ सोर्स और ड्रेन के ऊपर हम एपिटेक्सी करेंगे, इससे हमें रेस्ड सोर्स और ड्रेन मिल जाएगा. नाउ वी हैव द सिंगल वेफर एपिटेक्सी प्रोसेस ऑल्सो. पॉलीसिलिकन को भी डिपॉजिट किया जा सकता है. पॉलीसिलिकन विल गिव मी हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी. इट इज हैविंग गुड कंडक्टिविटी, इसलिए पॉलीसिलिकन रिक्वायर्ड रहता है. इट इज वाइडली यूज फॉर गेट एंड लोकल इंटरकनेक्शन इन द मॉस डिवाइसेस. गेट फॉर्मेशन के लिए, लोकल इंटरकनेक्शन फॉर्मेशन के लिए पॉलीसिलिकन यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो वाइडली यूज एज अ कैपेसिटर इलेक्ट्रॉड इन मेमरी डिवाइसेज. कैपेसिटर इलेक्ट्रॉड की तरह यूज होता है मेमोरी डिवाइसेस में. जब हम डीरैम की बात करें तो वहां पर हम पॉलीसिलिकन को कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज कर सकते हैं. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉलीसिलिकन एप्लीकेशंस इन डीरैम. तो यहाँ पर जब हम डीरैम यूज करते हैं तो हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज माय पॉलीसिलिकन. सो फर्स्ट पॉलीसिलिकन इज यूज एज अ गेट. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉलीसिलिकन इज यूज फॉर द कनेक्शन ऑल्सो. अपवर्ड लेयर में कनेक्शन के लिए पॉलीसिलिकन को हम यूज कर पाते हैं. राइट, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज पॉलीसिलिकन 1, दिस इज पॉलीसिलिकन 2, दिस इज पॉलीसिलिकन एप्लीकेशन 3 एंड 4. राइट, सो अब पॉलीसिलिकन के ऊपर फिर से हम एक पॉलीसिलिकन की लेयर बना सकते हैं, दिस इज अ पॉलीसिलिकन एप्लीकेशन 5. सो डीरैम के अंदर आप देख पा रहे हैं 5 तरह से पॉलीसिलिकन यूज होता है. पॉलीसिलिकन इज डिपॉजिटेड एट अ हाई टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस इन द फर्नेस LPCVD प्रोसेस. LPCVD इज लो प्रेशर केमिकल वेपर डेपोजिशन. 700 डिग्री सेल्सियस पे लो प्रेशर में हम पॉलीसिलिकन को डिपॉजिट करा सकते. तो सिलेन और डाइक्लोरोसिलेन को हम सोर्स गैसेस की तरह यूज करते हैं. राइट, इन द पॉलीसिलिकन फॉर्मेशन. सो सिलेन इज SiH4, डाइक्लोरोसिलेन इज SiH2Cl2. हमने ऑलरेडी देख लिया. नाइट्रोजन को पर्ज गैस की तरह यूज करते हैं. आर्सीन, फॉस्फीन और डायबोरेन, ASH3, PH3 और B2H6 को हम डोपेंट गैसेस की तरह यूज करते हैं. अगेन पॉलीसिलिकन डेपोजिशन देख लेते हैं. जो अगर हम सिंगल क्रिस्टल डेपोजिशन करते थे वो हाई टेम्परेचर पर होता था, 1100 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड. जो पॉलीसिलिकन डेपोजिशन है आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर इज 750 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द ओनली डिफरेंस. सिलेन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सिलेन गैस लेते हैं, SiH4 लेते हैं, टेम्परेचर को 750 डिग्री सेल्सियस रखते हैं. यहाँ पर हमारे पास पॉलीसिलिकन फॉर्म हो जाता है सॉलिड में और हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो जाती है. डाइक्लोरोसिलेन लेते हैं 750 डिग्री सेल्सियस पर, पॉलीसिलिकन जनरेट कर देता है और हाइड्रोक्लोराइड गैस जनरेट करता है विच विल कैन बी इजिली रिमूव्ड. राइट, सो नाउ आफ्टर दैट जो एन टाइप डोपेंट्स है उसके लिए हम ASH3 यूज करते हैं, PH3 यूज करते हैं. ASH3 इज आर्सीन गैस, 750 डिग्री सेल्सियस पर आर्सेनिक एटम दे देता है. फॉस्फीन हमारा 750 डिग्री सेल्सियस पे फॉस्फोरस एटम दे देता है. सो दीज आर एक्टिंग एज अ एन टाइप डोपेंट. पी टाइप डोपेंट के लिए हम डायबोरेन यूज करते हैं. डायबोरेन 750 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है और हमें बोरोन एटम दे देता है. बोरोन एटम विल बी एक्टिंग लाइक अ पी टाइप डोपेंट इन दिस पॉलीसिलिकन डोपिंग प्रोसेस. टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखते हैं सिलेन प्रोसेस में. सिंगल क्रिस्टल सबस्ट्रेट पर अगर हमें सिंगल क्रिस्टल सबस्ट्रेट बनाना है तो टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा. पॉलीसिलिकन फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो कम होगा इन द कंपेरिजन टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल सिलिकन. सिलेन को अगर हम सोर्स गैस
की तरह यूज करते हैं तो वी विल बी हैविंग द हायर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट. डाइक्लोरोसिलिन ट्राइक्लोरोसिलिन में टेम्परेचर हम थोड़ा कम कर सकते हैं. टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा तो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन डिपॉजिट होएगा. 550 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में होएगा टेम्परेचर तो पॉलीसिलिकॉन डिपॉजिट होएगा. 550 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहा तो एमोर्फस सिलिकॉन डिपॉजिट होगा. सो आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर 550 से कम है तो यहाँ पर बिल्कुल रैंडम नेचर का सिलिकन है, दिस इज एमोर्फस सिलिकन. 550 से 900 डिग्री सेल्सियस में पॉलीसिलिकन फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है, राइट. तो हमारे पास अलग अलग लेयर्स में अलग अलग फॉर्मेशंस होंगी फॉर द पॉलीसिलिकन. सिंगल क्रिस्टल सिलिकन 900 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर हमारे पास एटम सारे अरेंज्ड हैं, ऑल ऑफ द एटम्स आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड. अब जो सिस्टम है उसको देख लेते हैं. पॉलीसिलिकन लो प्रेशर केमिकल वेपर डेपोजिशन सिस्टम हम देखते हैं. पॉलीसिलिकन के लिए जो हमें सोर्स गैस चाहिए थी वो सिलीन थी, SiH4, प्रोसेस गैस नाइट्रोजन, पर्ज गैस नाइट्रोजन. इनका अमाउंट माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं. वी हैव रेगुलेटर एंड द कंट्रोल वॉल्व एज वेल. अब ये प्रोसेस ट्यूब में जाता है, प्रोसेस ट्यूब में हाई टेम्परेचर रहेगा, ये पूरा प्रोसेस होएगा और जो जो हमारे बाय प्रोडक्ट होंगे गैसेज होंगे वो बर्न बॉक्स स्क्रबर और एग्जॉस्ट की हेल्प से हम रिमूव करवा देंगे. अब पूरी प्रोसेस समझते हैं. सबसे पहले हम जो हमारा प्रोसेस ट्यूब है उसे फिल करेंगे विद पर्ज नाइट्रोजन फ्लो. आफ्टर दैट विद प्रोसेस नाइट्रोजन फ्लो वी विल फिल इट. आफ्टर दैट जब प्रोसेस नाइट्रोजन के साथ प्रोसेस ट्यूब फिल हो जाएगा उसके बाद हम वेफर को लोड करेंगे इन दिस टावर विद प्रोसेस नाइट्रोजन फ्लो. प्रोसेस नाइट्रोजन फ्लो इज स्टिल ऑन. Now the tower is raises into the process chamber. Tower को process chamber के अंदर डाल देंगे, which is a bell jar. और यहाँ पर अभी भी process nitrogen flow on है. इसके बाद हम pump, we will pump down the chamber to base pressure 2 millitorr. 2 millitorr तक हम pressure को reduce करेंगे, nitrogen flow को reduce कर देंगे. Nitrogen flow जैसे ही बंद होएगा, pressure reduce होने लग जाएगा और pressure 2 millitorr तक हम ले जाएंगे. अब इसके बाद टेम्परेचर को स्टेबलाइज करवाना है, नाइट्रोजन फ्लो को स्टेबलाइज करवाना है, लीक चेक करना है. लीक होएगा तो फिर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस वेरी कर सकती है. अब इसके बाद हम प्रोसेस प्रेशर को हम स्टेबलाइज करेंगे विच इज एट 250 millitorr, राइट. 250 millitorr पर हमने प्रोसेस प्रेशर को स्टेबलाइज कर दिया, नाइट्रोजन फ्लो इज स्टिल ऑन. अब हम सिलेन गैस को फ्लो करवाएंगे. सिलेन गैस विल फ्लो एंड नाइट्रोजन गैस इज टर्न्ड ऑफ. Now it will start deposition. It will start deposition. इसके बाद हम gate valve को close कर देंगे और nitrogen को fill up कर देंगे और pressure को atmospheric pressure तक पहुंचा देंगे. इसके बाद tower को lower करेंगे, wafer temperature को cool down करेंगे और process nitrogen flow करवा देंगे. Process nitrogen flow होते ही हमें wafer को unload करवाना है process nitrogen के साथ ही, right? So इसके बाद जब हमारे पास वेफर अनलोड हो चुके हैं, नाउ वी विल हैव द आइडल स्ट्रक्चर विद द पर्ज नाइट्रोजन फ्लो. अब इसी को ही हम ग्राफ से समझते हैं. दिस इज द चैम्बर टेम्परेचर, चैम्बर टेम्परेचर, दिस इज द वेफर टेम्परेचर. वेफर टेम्परेचर हमें सबसे पहले कम था, फिर हमें टेम्परेचर को रेज करा. जब टेम्परेचर रेज था, नाइट्रोजन फ्लो कॉन्स्टेंट था. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट, सो इंक्रीज होने के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, चैम्बर का प्रेशर कम कर रहे हैं. प्रेशर कम होने के बाद टेम्परेचर थोड़ा और इंक्रीज होएगा और वेफर टावर पोजीशन में आ जाएगा. नाउ व्हेन द वेफर टावर इज इन पोजीशन, हम फिर से क्या करेंगे, नाइट्रोजन फ्लो को ऑन करेंगे. टेम्परेचर इज स्टेबलाइज, नाइट्रोजन फ्लो इज ऑन. चैम्बर प्रेशर, जैसे नाइट्रोजन फ्लो करेगा, नाइट्रोजन की हेल्प से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा चैम्बर का. नाइट्रोजन इज अ गैस, जैसे ही गैस चैम्बर के अंदर जाएगी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वेफर अभी भी अंदर ही है, राइट. सो अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही अब वेफर का चैम्बर का प्रेशर इंक्रीज हुआ, हमें तो लो प्रेशर पर ये प्रोसेस करवानी है, फिर हम नाइट्रोजन फ्लो को बंद कर देंगे. नाइट्रोजन फ्लो बंद हुआ, प्रेशर फिर रिड्यूस हुआ, राइट. सो नाउ आफ्टर दैट अगेन वी विल इंक्रीज दिस दिस नाइट्रोजन फ्लो. थोड़ा सा नाइट्रोजन फ्लो इंक्रीज करेंगे, प्रोसेस को स्टेबलाइज करेंगे, प्रेशर को स्टेबलाइज करेंगे. नाउ प्रेशर इज स्टेबलाइज. जब प्रेशर स्टेबलाइज हो चुका है, उस कंडीशन पर हम सिलेन फ्लो करवाएंगे. सिलेन फ्लो करवाने के बाद क्या करेंगे, सिलेन फ्लो करवाने के बाद डिपोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. टेम्परेचर इज हाई, सिलेन जा रहा है, डिपोजिशन हो जाएगा. और जैसे ही डिपोजिशन पूरा हो चुका है,
जैसे डिपोजिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम चैम्बर का प्रेशर रिड्यूस और कर देंगे। चैम्बर का प्रेशर और रिड्यूस करा, नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द नाइट्रोजन फ्लो। इंक्रीज नाइट्रोजन फ्लो, जैसे ही नाइट्रोजन फ्लो इंक्रीज हो गया, सिलीन कम हो गया, नाइट्रोजन ज्यादा हो गया चैम्बर के अंदर। अब नाइट्रोजन ज्यादा हो गया है तो विच मीन्स सिलीन तो डिपॉजिट हो नहीं पाएगा, सिलिकन डिपॉजिट हो नहीं पाएगा, सिलीन है ही नहीं। सो नाउ वी विल हैव अ हायर नाइट्रोजन फ्लो, मीन्स हायर चैम्बर प्रेशर। अब हायर चैम्बर प्रेशर है, डिपॉजिशन हो चुका है, उसके बाद वेफर को निकाल लेंगे, अनलोडिंग ऑफ द वेफर। ये जो पूरा सिस्टम है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम वेफर लोडिंग करेंगे, दिस इज वेफर लोडिंग स्टेशन, दिस इज वेफर अनलोडिंग स्टेशन, राइट। ये पूरा रोबोटिक सिस्टम है ये, दिस इज अ वेफर ट्रांसफर रोबोट, राइट। सबसे पहले हम डिपोजिशन चैम्बर में जाएंगे जहां पर सिलेन या फिर डाइक्लोरोसिलेन ट्राइक्लोरोसिलेन लेंगे और डिपोजिशन हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमारे पास पॉलीसिलिकॉन डिपोजिशन चैम्बर है, राइट। सो दीज आर पॉलीसिलिकॉन डिपोजिशन चैम्बर, देन अगेन WSIX deposition chamber, right? After that, we have a cool down chamber and the unloading station. Polyside deposition system को देखते हैं। Again यहाँ पर wafer loading system है, wafer transfer robot है ये, polysilicon deposition chamber है, now WSIX deposition chamber. This is rapid thermal annealing. Polyside के लिए हमारे पास rapid thermal annealing भी चाहिए होगी, rapid thermal annealing के लिए एक separate chamber है, then the cool down chamber and wafer unloading. कमिंग टू द सिलिकन नाइट्राइड, सिलिकन नाइट्राइड इज अ डेंस मटीरियल, राइट। और सिलिकन नाइट्राइड इज वाइडली यूज एज अ डिफ्यूजन बैरियर लेयर एंड द पैसिवेशन लेयर। डिफ्यूजन बैरियर और पैसिवेशन लेयर की तरह हम सिलिकन नाइट्राइड को यूज करते हैं। फ्रंट एंड पर LPCVD प्रोसेस होता है और बैक एंड पर PECVD। LPCVD इज लो प्रेशर केमिकल वेपर डेपोजिशन एट द फ्रंट एंड, बैक एंड पर प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डेपोजिशन। प्लाज्मा के ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो, वी विल डिस्कस दैट, डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा एनहांस्ड CVD इन दैट प्लाज्मा वीडियो। और आपको प्लाज्मा समझ में आना चाहिए, प्लाज्मा के ऊपर वीडियो जाकर देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखी है। LPCVD नाइट्राइड इज यूजुअली डिपॉजिटेड इन अ फर्नेस। सो फर्नेस के अंदर ये लो प्रेशर केमिकल वेपर डेपोजिशन है, फर्नेस के अंदर होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, सिलिकन नाइट्राइड किस लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर द लोकल ऑक्सीडेशन ऑफ द सिलिकन, इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन बैरियर, इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैलो ट्रेंच आइसोलेशन, शैलो ट्रेंच आइसोलेशन फॉर्मेशन के लिए। ऑक्साइड केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग स्टॉप करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज एज अ PMD बैरियर लेयर एज वेल, इट इज यूज एज अ एच स्टॉप लेयर एज वेल। सो आप लोकोस का प्रोसेस देख पा रहे हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास सिलिकन नाइट्राइड है, सिलिकन नाइट्राइड के नीचे पैड ऑक्साइड है, पैड ऑक्साइड चाहिए होगा, सिलिकन नाइट्राइड डेंस लेयर है, पी टाइप सबस्ट्रेट के अंदर कुछ क्रैक्स ना आ जाए बिकॉज ऑफ दिस डेंसर लेयर, वी यूज पैड ऑक्साइड लेयर इन बिटवीन। So after that we have the pad oxide, nitride deposition and patterning process. Pattern जब बन चुका है nitride में, उसके बाद we have the local oxidation of the silicon and now the nitride is removed. Nitride is etched. This is a process of locos. Shallow trench isolation में हम क्या करते हैं, nitride की deposition करते हैं, उसके नीचे pad oxide है, pad oxide and low pressure chemical vapor deposition of nitride. उसके बाद नाइट्राइड को फोटोरेजिस्ट की हेल्प से एच करवाते हैं, पैड ऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं और उसके बाद फोटोरेजिस्ट को रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल हैव द नाइट्राइड एंड द पैड ऑक्साइड लेयर। यहाँ पर हमारे पास एक विंडो फॉर्म हो गई है। विंडो फॉर्म होने के बाद हम सिलिकन को ट्रेंच करवाते हैं, वी रिमूव सिलिकन, यहाँ से थोड़ा सरफेस से सिलिकन को रिमूव करवाया, वी मेक अ ट्रेंच ऑन द सिलिकन। उसके बाद पूरे सरफेस पर हम अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास को फिल कर देते हैं, वी आर फिलिंग दिस फुल सरफेस विद अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास विद द केमिकल वेपर डेपोजिशन। केमिकल वेपर डेपोजिशन से पहले हमने क्या करा था, एक बैरियर ऑक्साइड लेयर भी बनाया था। बैरियर ऑक्साइड के बाद अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास को फॉर्म करा और जो एक्सेस अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास है, जो नाइट्राइड है, उसे रिमूव कर दिया यूजिंग केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग, राइट। सो दिस इज द सेल्फ अलाइंड कॉन्टेक्ट एच प्रोसेस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ऑक्साइड लेयर है, नाइट्राइड लेयर है, नाइट्राइड लेयर के साथ में हमारे पास यहाँ पर साइड वॉल स्पेसर है, दिस इज द पॉलीसिलिकॉन गेट। सो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टेक्ट एच स्टॉप प्रोसेस है।
जैसे ही यहाँ पर कॉन्टेक्ट में आएगा दिस एच विल बी स्टॉप्ड। जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आते ही एचिंग स्टॉप हो जाएगी, इससे ज्यादा एचिंग हमें नहीं करानी है। नाउ दिस नाइट्राइड विल ब्रेक थ्रू, नाइट्राइड यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया एंड देन फोटोरेसिस्ट हट गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास नाइट्राइड ने एचिंग को स्टॉप करा था। इसके बाद हम क्या करेंगे, टंगस्टन, टाइटेनियम नाइट्राइड की एक लेयर बनाएंगे और टंगस्टन से पूरे प्रोसेस को, पूरे सरफेस को फिल कर देंगे। जो एक्स्ट्रा टंगस्टन है उसे रिमूव कर देंगे विद द सीएमपी प्रोसेस एंड दिस इज हाउ वी आर यूजिंग इट इन फुल फुल एप्लीकेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चिप, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी बार यही सेम प्रोसेस रिपीट हुई है, राइट। सो वी हैव अ PMD barrier nitride over here. This is a PMD barrier nitride. So now we have the IMD H-strop nitride over here, right? This is IMD H-strop nitride. Now coming to the nitride deposition. Silane or dichlorosilane को हम silicon का source gas use करते हैं, silicon nitride है तो हमें एक silicon का source gas चाहिए, एक nitrogen का source gas चाहिए। Ammonia को nitrogen का source gas की तरह use करते हैं और nitrogen gas को purge gas की तरह use करते हैं। 3SiH2Cl2 plus 4NH3 gives Si3N4. This is my silicon nitride plus 6HCl plus 6H2. These two are gases. तो अब यहाँ पर हमने अमोनिया को क्यों यूज करा, नाइट्रोजन गैस को क्यों नहीं यूज करा? नाइट्रोजन गैस बहुत ही हाई टेम्परेचर पर डिसोशिएट होता है, NH3 हमारे पास नाइट्रोजन बहुत ही स्मॉलर टेम्परेचर पे दे देगा, तो रिएक्शन स्मॉलर टेम्परेचर पर हो जाएगा। या फिर हम सिलेन को भी यूज कर सकते हैं, सिलेन को अमोनिया के साथ यूज करा तो यहाँ पर हमारे पास सिलिकन नाइट्राइड फॉर्म हो गया। पूरा सिस्टम देखते हैं, सिस्टम में हमें क्या चाहिए, SiH2Cl2 डाइक्लोरोसिलेन चाहिए, प्रोसेस नाइट्रोजन चाहिए, पर्च नाइट्रोजन चाहिए और अमोनिया चाहिए। सारा कंट्रोल होएगा माइक्रो कंट्रोलर से, माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल वॉल्व और रेगुलेटर से हम इनका अमाउंट कंट्रोल करेंगे और इसे प्रोसेस चैम्बर के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर हमारे पास हीटर्स है, ये जो रेड कलर दिख रहा है ये हीटर्स हैं जिससे कि हम इस चैम्बर का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। वेफर्स यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, सारे वेफर्स इस टावर के अंदर गैसेस जाएंगी, रिएक्ट करेंगी और जो एक्स्ट्रा गैसेस है, एग्जॉस्ट गैसेस हैं, बाय प्रोडक्ट गैसेस हैं, वो पंप की हेल्प से बर्न बॉक्स के अंदर जाएंगी, स्क्रबर के पास जाएंगी और एग्जॉस्ट हो जाएंगी। आप पूरा नाइट्राइड डेपोजिशन प्रोसेस देख पा रहे हैं, वेफर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, नाइट्रोजन फ्लो को पहले डिक्रीज करा, प्रेशर डिक्रीज हुआ, डायक्लोरोसिलेन और NH3 फ्लो को इंक्रीज हम एक टाइम के बाद करेंगे। सो सबसे पहले हमने क्या करा, नाइट्रोजन फ्लो को कम करा, प्रेशर कम हो गया, वेफर लोड करवा दिए। वेफर लोड करवाने के बाद फिर से नाइट्रोजन फ्लो इंक्रीज करा, प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब प्रेशर को स्टेबलाइज करने के लिए फिर प्रेशर नाइट्रोजन फ्लो को कम कर फिर से ज्यादा करा। जैसे ही नाइट्रोजन फ्लो इंक्रीज हुआ, प्रेशर स्टेबलाइज हो गया, नाउ वी स्टार्टेड फ्लोइंग NH3। NH3 स्टार्ट कर दिया फ्लो करवाना और थोड़ी देर बाद हमने डायक्लोरोसिलेन फ्लो ऑन कर दिया। डायक्लोरोसिलेन फ्लो ऑन हो गया है, उसके बाद हमारा चैम्बर प्रेशर कॉन्स्टेंट है एंड देन क्या होएगा, हमारे पास सिलिकन नाइट्राइड फॉर्मेशन हो जाएगा। सिलिकन नाइट्राइड जैसे ही फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोजन फ्लो को इंक्रीज कर देना है, NH3 फ्लो को डिक्रीज कर देना है एंड डायक्लोरोसिलेन फ्लो को डिक्रीज कर देना है। चैम्बर प्रेशर अगेन इंक्रीज हो जाएगा एंड देन वी विल अगेन रिमूव द वेफर, वेफर्स विल बी अनलोडेड। तो पूरा प्रोसेस था। फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ हाई टेम्परेचर केमिकल डेपोजिट, केमिकल वेपर डेपोजिशन, फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा, वी विल बी हैविंग मोर सिंगल वेफर रैपिड थर्मल केमिकल वेपर डेपोजिशन। रैपिड थर्मल केमिकल वेपर डेपोजिशन ज्यादा यूज करा जाएगा। इंटीग्रेटेड प्रोसेस विल बी यूज इन क्लस्टर टूल्स, इंटीग्रेटेड ही डेपोजिशन हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द समरी ऑफ फर्नेस डेपोजिशन, फर्नेस डेपोजिशन की समरी, पॉलीसिलिकॉन और सिलिकॉन नाइट्राइड आर द टू मोस्ट कॉमनली फिल्म डिपॉजिटेड इन हाई टेम्परेचर फर्नेस। हमने एपिटेक्शियल सिलिकॉन के बारे में बात करी थी, पॉलीसिलिकॉन के बारे में बात करी थी, सिलिकॉन नाइट्राइड के बारे में बात करी थी। इन दोनों में से पॉलीसिलिकॉन एंड सिलिकॉन नाइट्राइड आर द टू मोस्ट कॉमनली फिल्म डिपॉजिटेड एट द हाई टेम्परेचर फर्नेस। सिलेन और डायक्लोरोसिलेन को सिलिकॉन सोर्स गैस की तरह यूज करते हैं। पॉलीसिलिकॉन कैन बी डोप्ड ऑल्सो। कैसे डोप करा जाता है, एन टाइप पी टाइप सोर्स गैसेस यूज होंगी जैसे कि फॉस्फीन, आरसीन और डायबोरिन, राइट। सो दीज आर द रेफरेंसेज, दीज आर वेरी अमेजिंग बुक्स विच यू कैन रेफर फॉर द फर्दर स्टडीज। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको सेशन समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स है तो डाउट को कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू हैव द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर एज वेल, यू कैन
download our mobile app. The link is present in the description box below. You can give us your feedback as well in the comment section. And don't forget to like, share, and subscribe. Meet me soon in the next class. Bye-bye. Thank you.